यहाँ ना जरा सबको बता दो, आप जोबट की रहने वाले हो? क्या किया आपने बताओ ना सबको। मैं 10 मीटर 15 मीटर एयर राइफल शूटर हूँ, इंडियन टीम की प्लेयर हूँ। तालियां बजा के स्वागत करो जोबट की बेटी, इंडियन टीम की प्लेयर है और शूटर है। शूटर अब तक क्या क्या उपलब्धि हासिल की आपने? मैं 2 साल खेल इंडिया में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और 1 साल पार्टिसिपेट किया है मैंने। 3 साल कंटिन्यूस मैंने खेल इंडिया खेला है, मैं नेशनल मेडलिस्ट भी है। नेशनल मेडल्स भी ले चुकी है। अरे जोबट की बेटी ने कमाल किया, ताली तो बजाओ जरा। मेरा इंटरनेशनल में भी सिलेक्शन हुआ है। अच्छा इंटरनेशनल में भी सिलेक्शन हुआ। एशियन एयरगन थे। अब कहाँ जाने वाले हो? कजाकिस्तान में होने वाले थे के अच्छा अफगानिस्तान के चक्कर में कजाकिस्तान रह गया, तो कहीं ना कहीं तो होंगे। बेटी तुम चिंता मत करना, आप कहीं ना कहीं फिर से पहुंचना होगी, वहां आप जरूर जाना। और आपको सूटर या पक्षी कोई जरूरत ऐसी लगती है जो आपको चाहिए, जिसमें आपको सहायता चाहिए हो? मैं चाहती हूँ हमारे जिले में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम खुले जहाँ पे हर खेल की फैसिलिटीज दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े हमारे, ताकि हर किसी को मौका मिले और सब मेडल जीत के ला सके हमारे मध्य प्रदेश देश। याना ने बहुत समझदारी की बात करी है। एक है याना, क्यों जोबट की धरती से, अलीराजपुर जिले की धरती से और याना बेटी और याना जैसी बेटी क्यों ना निकले। और इसलिए उन्हें कहा कि एक अच्छा स्टेडियम होना चाहिए जिसमें हमारे बाकी बच्चे भी यहाँ से प्रशिक्षित होकर निकले और अच्छे खिलाड़ी बने। और इसलिए जोबट में बोलो स्टेडियम बनाया जाए। अरे नौजवान बोलेंगे तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। बनाया जाए था ठीक है, तो बेटी यहाँ स्टेडियम बनाया जाएगा, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं ताकि हमारे बच्चे और भी खेलें। देखो आजकल खेलों में नाम ऊंचा हो रहा है हमारे देश का। और इस बार अपन ने अभी अभी हाल में जो ओलंपिक हुआ उसमें भी बहुत पदक जीते। यहाँ ने बेटी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा भी आपको जो सुविधा चाहिए व्यक्तिगत रूप से भी वो सारी सुविधा भी देंगे आपको। अभी तो तत्काल में 2 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ ताकि आपके तत्काल जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए। बाकी भी कोई दिक्कत है तो बताना बेटी, मामा काय के लिए चिंता मत करना। धन्यवाद। अभी बात स्टेडियम की आई थी, मैंने घोषणा कर दी कि स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम बनाने में लगभग 5 करोड़ रुपया खर्चा होंगे, यहाँ शानदार स्टेडियम बनाया जाएगा। लेकिन जब भी हम आते हैं यहाँ तो हमको वीर कमान भेंट किया जाता है। और इसलिए हम ये भी तय कर रहे हैं कि स्टेडियम तो सब खेलों के लिए बनेगा लेकिन तीरंदाजी के लिए आर्चरी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसका भी अब विशेष रूप से प्रावधान किया जाएगा ताकि हमारी एक बेटी शूटर है जैसे ही वैसे तीरंदाज भी निकले, आर्चरी में भी हमारे बच्चे निकले और देश और दुनिया में चमत्कार करने का काम करें।